स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इन आवर टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लेसन नंबर 7 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन द नेकलेस। अब एक बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन मैं एक आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस लेसन के बारे में दूंगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि लेसन जो है किस बारे कि किस तरीके से एक जो हमारी हीरोइन ऑफ द स्टोरी है ठीक है उसने किस तरीके से अपनी एक छोटी सी गलती के कारण उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो रुइन कर ली यानी बर्बाद कर ली। तो उस चीज में मैं बताती हूँ आपको इसमें मिस्टर एंड मिसेस लोजेल है ठीक है वो उनका सरनेम है मैडम लोजेल और उसके हस्बैंड। अब जो ये मैडम लोजेल के जो हस्बैंड है मिस्टर लोजेल ठीक है मडलता उसका नाम है मडलता लोजेल ये पूरा नाम है उसका। अब इसके साथ बेटा जी क्या होता है ये काफी खूबसूरत सी औरत है ठीक है एक क्लैरिक मतलब क्लैरिकल डिपार्टमेंट में इसके हस्बैंड काम करते हैं जिनकी बहुत ज्यादा सी इनकम नहीं है। तो इनकम नहीं है इसके साथ शादी हो गई शादी से पहले बहुत सारे इसके ख्वाब थे कि हाँ ऐसे हो जाएगा बट रियलिटी कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब रियलिटी वही वाली बातें रह गई कि इसको थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए जो है बहुत वेट करना पड़ता था बट इनके हस्बैंड जो है वो इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते होते हैं ठीक है वो एक छोटी से छोटी ख्वाहिश भी इनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे जो स्टोरी जब स्टार्ट हो रही है तो स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो इनके हस्बैंड को एक मेयर है उनकी तरफ से इनविटेशन कार्ड आता है और पार्टी है बड़े ग्रैंड लेवल पर ठीक है। तो अब भाई जैसे कि जैसे हम लोग भी वही काम करते हैं कि भाई पार्टी चल है तो भाई उसके लिए तैयारियां तो करेंगे। तो इसके हस्बैंड ने आकर वो इनविटेशन कार्ड दिया वो एक बार तो उसको देखती है खुश हो जाती है और सेकेंड टाइम जैसे ही उसकी तरफ देखती है ना वो एकदम से दुखी हो जाती है। अब उसका हस्बैंड उससे पूछता है भाई क्या हो गया ये तो तुम चाहती थी ना ऐसा कुछ हो तो देखो कितनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन है। तो कहती है चल ठीक है मेरे पास एक ड्रेस तो है ब्यूटीफुल ड्रेस मैं परचेज कर लेती हूँ और उसको पहनकर चलती हूँ। तो वो पहले ही अपनी जो है एक ड्रेस ले आती है। अब वो ड्रेस उसने पहनकर देखी वो काफी ज्यादा सुंदर वो लगी अभी भी वो उदास है ठीक है। अब वो उदास क्यों है वो कहती है एज आर टाइटल सजेस्ट कि मेरे पास उस ड्रेस के मैचिंग का पहनने के लिए कुछ भी नहीं है ठीक है। डोंट स्पीक हरियाणवी। तो ये कहती है मेरे पास मैचिंग का पहनने का तो कुछ नहीं है। अब इसके हस्बैंड के पास कुछ थोड़ा सा पैसा है जो उसने बचा रखा था अपनी सेविंग के तौर पे कुछ थोड़ा सा बहुत पैसा उसको देता है कहता है इतने में तो कुछ नहीं आने वाला वो कह देती है। फिर इसको याद आती है कि मेरी एक फ्रेंड है मैं उससे बोरो कर लेती हूँ। अब ये उसके घर जाएगी ठीक है वो बहुत सारी चीज़ें इसको खोल के दिखा देगी फिर इसको एक सेट पसंद आएगा जो इसको मतलब हम अगर अपनी भाषा में कहें तो एक तरह से यूँ मान लो कि वो डायमंड का सेट था वो ले आती है ठीक है ले आई। उसने कहा कि ठीक है वो कहती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं मतलब था तुम लोग आप ले जाओ और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मेरे को दे देना। आप काम पूरा हो गया पार्टी में गए ये लोग पार्टी में गए मतलब ऐसा हमें लेसन में बताया जाएगा कि पार्टी में सबसे खूबसूरत औरत जो थी वो हमारी हीरोइन ऑफ द स्टोरी थी ठीक है। हर ये सारी लाइन्स आएंगी कि हर नजर जो है इसी पर टिकी हुई थी हर कोई इससे डांस करना चाहता था ये बड़ी खुश खुश घूम रही थी ठीक है। अब इसने पूरा एंजॉय किया सब कुछ हुआ पार्टी में जब अच्छा अपने यहाँ तो चलो ये रिक्शा वगैरह हम लोग ये चलाते हैं लेकिन बाहर के देशों में आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा अक्षय कुमार घोड़ा गाड़ी पर जाता है ठीक है कैरेज भी कॉल है तो उसमें ये लोग जा रहे थे क्योंकि ये हमारी जो स्टोरी है वो हमारे इंडिया की नहीं है वो बाहर की कंट्रीज है ठीक है। तो ये उस पे जा रहे थे उस पे गए हैं बड़ा एंजॉय करते हुए घर पहुंच रहे हैं। अब
एक सीन आता है जो हम सब बहुत बार करते हैं, बहुत बार क्या हमेशा ही करते हैं, जब भी हम तैयार होने के लिए जाते हैं तब तो शीशा देखते ही देखते हैं, जब आ जाते हैं तब भी एक बार तो जरूर अपने आप को देखना। अब जैसे कि हमारी हीरोइन ऑफ द स्टोरी ने मिरर में देखा उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था, ठीक है, अब वो हो गई पागल, नेकलेस खो गया। वो पूरे रात घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे, उनको वो नेकलेस नहीं मिला। मतलब उसकी सारी जितनी भी हैप्पीनेस थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। अब उसको कुछ भी नहीं मिला, उसके बाद बड़ी उदास है बेचारी। अब उसका हस्बैंड पूछता है कि भाई अब वापस कैसे करेंगे। अब वो कहती है कि वो तो ओरिजिनल था, मतलब डुप्लीकेट नहीं था, ऐसा खरीदा हुआ नहीं था, वो ओरिजिनल था। वो तो कोई बात नहीं, 3-4 दिन तक ऐसे ही फोन आते हैं उसकी, मतलब उसकी जो फ्रेंड है वो अपनी चीज वापस मांग रही है उससे कि भाई मेरी चीज वापस दो। अब वो उसको बहाना लगाए जा रही है। फिर उसका हस्बैंड क्या करता है, उसको वो अपनी वाइफ, उसकी वाइफ उसको बोलती है कि देखो जी ऐसा मत करना कि आप, हम ऐसा तो नहीं बता सकते ठीक कि हमसे खो गया है, और ना ही आप ऐसा बताना क्योंकि ऐसे जो है ना वो हम पर शक करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं सुनार के पास चलते हैं और सेम वैसा ही बनवा के उसको दे देते हैं, ठीक, सेम बनवा के वो दे देते हैं। उसका हस्बैंड और वो इतने ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं क्योंकि वो अपना सब कुछ बेच बाज के और उधार उठा के, जिसको जिस उधार को उतारने के लिए इन दोनों हस्बैंड वाइफ की जो उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है, तो उस चीज में ये लोग ठीक है पूरी जिंदगी में ये ऐसे ही कर्जे में ही रह जाते हैं। अब मटेरिया हो चुकी है बुढ़ी, स्टोरी बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है, इसी बीच में ये एक इंसिडेंट आपको देखिएगा, मटेरिया हो गई है बुढ़िया। अब बुढ़िया होने के बाद वो एक दिन पार्क में बैठी है, उसके फेस पर मतलब एक यूं होता है ना, एक तो भाई मैं बड़ी लैविश सी लाइफ जीऊँ, मेरे पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, तो इतनी जल्दी मेरे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। एक मैं गरीबी में जी रही हूँ, ठीक, लोगों के घरों में काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, तो उस चीज़ में क्या होता है, इंसान को पूरा खाना नहीं मिल रहा, ठीक, तो उस चीज़ में क्या होता है, उसमें यह होता है कि इंसान पर बुढ़ापा जो है एज उसकी जल्दी दिखनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो हीरोइन ऑफ द स्टोरी है वो एक दिन पार्क में बैठी हुई थी, तो उसको वही वाली फ्रेंड जो है उसकी, कौन सी वाली, तो वो उसको मिलती है, वो जैसे ही उसको मिलती है वो कहती है, वो एकदम दिल के शौक है क्योंकि मेडल्टा जो है वो एक बेहद खूबसूरत औरत थी, एकदम से उसके फेस पर झुर्रियां, बुढ़ापा पर कपड़े भी ऐसे सही पहने थे। तो अब तो क्योंकि बात बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, तो अब मटिल्डा को बताने में तो कोई हिचक होनी ही नहीं चाहिए थी, बिकॉज उसने उसको बनवा कर एज इट इज वाला सेम हू बहू वो दे दिया था, तब तो उसको कोई वो बात ही नहीं थी, और कुछ जिंदगी के बहुत सारे साल उसके निकल चुके थे तो उसको कोई दिक्कत थी भी नहीं है सच्चाई बताते हुए। तो वो सारी की सारी सच्चाई बताती है, कहती है कि ऐसे ऐसे हो गया था यार, जो तुमने मेरे को नेकलेस दिया था ठीक है वो मेरे से कहीं खो गया था, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपको नया सुनार से बनवा कर, उससे गोल्डस्मिथ से बनवा कर, और फिर हमने दिया। अब उसकी फ्रेंड क्या कहती है पता है, तो कैसे एक छोटी सी ख्वाहिश ने, सिर्फ कुछ पल की उसकी डिजायर थी कि भाई मैं पार्टी में सबसे अलग रहूं, सबसे वो अच्छी लगूं, और हमें ये नहीं पता चलता कि उस सेट ने का भी उसने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, सेट वापस भी नहीं उसको दिया है, तो वो एकदम से बोल देती है कि मटेरिया तुमने एक बार मेरे से बात तो करते, वो तो सेट ही नकली था, जो तुमने मेरे को डायमंड सेट जो मैंने तुम्हें दिया था वो तो कुछ 250-300 उसमें बताती है,
कहती है बस इतना सा था और उन लोगों ने क्या है वो कई लाख रुपया उधार उठा लिया था। क्यों? क्योंकि वो डायमंड मतलब एक नकली की बजाय उसके पास एक असली वाला पहुंच गया, जिसका अभी तक भी कर्जा जो है वो शायद मडेटा और उसके हस्बैंड नहीं चुका पाए। तो ये लेसन हम लोगों को ये सिखाता है, अगर मैं मॉरल की बात करूं तो अपनी उल्टी पुल्टी डिजायर करना बंद कर दो, ठीक है? जिस चीज की आपको जरूरत हो आप उसी चीज तक जाए, क्योंकि हमारी कभी कभी जैसे हमारी हीरोइन के साथ हुआ कि उसने अपनी पूरी एज खराब करी, साथ में अपने हस्बैंड की भी लाइफ खराब करी, प्लस वो कभी उतनी खुश नहीं रह पाई, कुछ नहीं कर पाई अपनी लाइफ में जैसा वो जीना चाहती थी सिर्फ एक भूल के कारण, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी स्टोरी का होता है दी एंड। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या है। ओके, थैंक यू।